इसराइल पर हमास के हमले के बाद प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा पर पूर्ण हमले का ऐलान किया है। इसराइल के 3 लाख सैनिकों को युद्ध के लिए लामबंद किया जा रहा है, जबकि 1 लाख सैनिक एक साथ गाजा पर हमला करेंगे। इसराइल ने गाजा का बिजली, पानी, खाना, ईंधन सब कुछ काट दिया है। लेकिन इस सब के बीच लेबनान मौके का फायदा उठाकर इसराइल के शेबा फार्म्स की तरफ घुसपैठ कर रहा था, लेकिन इसराइली सेना की कार्रवाई में 2 आतंकियों को मार गिराया गया है। जानकारों का मानना है कि गाजा पर इसराइल के हमले का दायरा बढ़ सकता है, और यही वजह है कि इसराइली सेना लेबनान बॉर्डर पर लामबंद हो रही है, ताकि गाजा पर आक्रमण के दौरान लेबनान दूसरी तरफ से हमले की हिमाकत न कर पाए। आपको बता दें कि ये तस्वीरें इसराइल लेबनान बॉर्डर की हैं, जहां पर हजारों इजरायली सैनिक और टैंक लगातार इकट्ठा हो रहे हैं। दरअसल 8 अक्टूबर 2023 को हिजबुल्ला ने इजरायली सेना पर फायरिंग की थी, जबकि मिस्र में 2 इजरायली नागरिकों को उनके गाइड के साथ गोली मार दी गई थी। वहीं हिजबुल्ला ने इजरायल पर हमले के लिए हमास की हर चीज से मदद की है, ये बात अब खुलकर सामने आ गई है, और यही वजह है कि अब इसराइल हिजबुल्ला की भी कमर तोड़ने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि ऐसी पूरी संभावना है कि हमास के साथ लड़ाई में हिजबुल्ला भी इसराइल पर दूसरी तरफ से हमला कर सकता है। 8 अक्टूबर 2023 को भी हिजबुल्ला ने इसराइल पर 3 रॉकेट दागे थे और कहा था कि वो फिलिस्तीनी लोगों के संघर्ष के साथ खड़ा है। इस दौरान लेबनान की सेना ने कहा था कि उसने दक्षिणी लेबनान से रॉकेट और गोला बारूद दागा, जो उत्तरी इसराइल में जाकर गिरे थे। आपको बता दें कि शेबा फार्म्स का 39 स्क्वायर किलोमीटर का जमीन का टुकड़ा साल 1967 से इसराइल के कंट्रोल में है। सीरिया और लेबनान दोनों ही शेबा फार्म्स पर अपना दावा करते आए हैं।